वालों का इकोसिस्टम पूरा ही खराब होने वाला है, क्योंकि विंडोज ने फोन लिंक जैसी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर डाल दिए हैं। आप किसी भी ऐप को, रिसेंट ऐप को कंट्रोल कर सकते हो यहीं से, और यहीं से सारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल डायल तक कर सकते हो, और बहुत सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हो। और यहाँ से इमेज के अंदर से टेक्स्ट भी देख सकते हो, और जो रिसेंट फोटो है वो तक भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं किस किस एप्लीकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हम कोई गेम खेल सकते हैं या नहीं, BGMI भी खेल सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हमें जानना है कि ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। बाकी इकोसिस्टम तो तबाह हो गया एप्पल का, तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तब तक के लिए फोन लिंक ऐप, इसमें आपको लेफ्ट साइड में सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, फ़ोन साइलेंट का मिल जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब का बटन मिल जाएगा। अगर आपका फ़ोन कहीं पर नहीं मिल रहा हो तो प्ले साउंड करके आप अपने फ़ोन को भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक अभी हम प्ले साउंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्ले साउंड हो जाएगा और मेरे फ़ोन की आवाज़ आपको आने लग जाएगी। बस 20 सेकंड में देखिए, आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आपको आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि मेरा फ़ोन अपना आप रिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और ये 20 सेकंड तक रिंग होगा जब तक मैं अपना फ़ोन नहीं को ऑडिट कर लेता। अगर मैं यहाँ से को ऑडिट कर दूंगा तो इसका मतलब है मुझे अपना फ़ोन मिल चुका है। आपको लेफ्ट साइड में मैंने बताया था, आपको पूरा ही फ़ोन का स्क्रीन मिल जाएगी, ब्लूटूथ वाईफाई आपका सिमिलर अपने वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, ब्लूटूथ आपके लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए, और आपके फ़ोन का नेम यहाँ पे बता देगा, बैटरी परसेंटेज यहाँ से बता देगा, आपका फ़ोन कनेक्टेड है उसका स्टेटस भी यहाँ पे बता देगा। सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें राइट साइड में मिल जाता है 4 टैब, कॉल्स, मैसेजेस, फोटोज एंड ऐप्स। लेफ्ट साइड में आपको ये फ़ोन का आइकन आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना फ़ोन को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से पूरी स्क्रीन आपको मिल जाएगी अपने फ़ोन की। आप पूरे ही तरीके से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक ऐप खोल सकते हैं। चलो अभी हम राइट साइड पे आ जाते हैं, आपको ऐप का ऑप्शन आ जाए तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आप रीसेंट ऐप देख सकते हो और उनको यूज़ भी कर सकते हो। रीसेंट ऐप तक तो ठीक है, आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, वो पूरा ओपन हो जाएगा और अलग अलग विंडो पे। ये देखिए नीचे की साइड में प्ले स्टोर आ रहा है, यहाँ से गैलरी आ रहा है, और यहाँ से आप कोई भी ऐप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल जस्ट यहाँ से। सारे ऐप आ गए, आप अपने कोई भी ऐप वगैरह, स्पॉटिफाई सुनना चाहते हो, आपका प्रीमियम है, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, यहीं से देख सकते हो। किसी अनदर वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेजिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो आप। टेलीग्राम यूज़ करना है, थ्रेड यूज़ करना है, टर्बो VPN यूज़ करना है, वो कैसे होगा? से पहले चलाई थी ना तो ये हॉरिजॉन्टल में आ रही थी, अब देखो वर्टिकल में आ रही है, वो हॉरिजॉन्टल में आ रही है, पहले वर्टिकल में आ रही थी। और पूरी गेम को एक्सेस कर सकते हैं यार, तबाही है भाई। अटैक करके देखे कोई, कैसे करते थे अटैक, मैं तो भूल गया। आर्मी तो यहाँ से था, ये रहा अटैक भाई, तो मैं भूल चुका हूँ, मैं 2-3 साल पहले खेलता था। ठीक है, भाई पता नहीं क्या हुआ ये, लेकिन बहुत मजा आया। देखो ये तो खेल के देख लिया हम, बात थी हम पबजी खेल के देखेंगे एक बार। स्कोर दो क्रॉस, ये आ जाएगी नहीं आएगी भाई इसको। भाई फाइनली इसके अंदर पबजी चल चुकी है भाई, सोच सकते हो पबजी। अब वो मुझे नहीं पता कैसे चल रही है लेकिन चल चुकी है, अभी इसको खेलेंगे हम बस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम खेलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लिए जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा, और नेक्स्ट वीडियो हम लैपटॉप से पबजी खेलने की कोशिश करेंगे। अब पता नहीं कैसे चलेगी लेकिन चलेगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लो भाई को, टेक्निकल बॉस को, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में चल पाती है या नहीं। तब तक के लिए बाय।